कानपुर लगातार प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। आसमान से बरसती आग ने हवा की नमी तक उड़ा दी है। इससे नमी का प्रतिशत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पानी पीकर घर से ना निकलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया था, यानी हीट वेव से राहत नहीं मिल रही है। गर्मी का कहर अब आफत बनकर टूट रहा है। हीट स्ट्रोक और डायरिया के चलते रविवार को भी 4 लोगों की शहर में मौत हो गई। इस बीच किडनी के रोगियों पर भी आफत आ गई है। डायरिया और डिहाइड्रेशन से किडनी फेल हो रही है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अनिल निगम, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि आजकल कानपुर में जो गर्मी का माहौल है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी तो कानपुर में पड़ती रही है। तो इससे बचाव का सिर्फ यही तरीका है कि एक तो हम जब तक अत्यावश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें, दूसरी चीज़ यह है कि जब भी घर से बाहर निकले पानी खूब अच्छी तरह पी के निकले, तीसरा ये है कि पूरे शरीर को ढक के निकले, अंगोछा या कोई भी सूती कपड़ा सर में और मुंह पे बांध के निकलें। उसके बाद भी ये है बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं और संभव हो तो घर में भी ताज़ा खाना खाएं, बासी कोई खाना नहीं खाएं, क्योंकि गर्मी में इन्फेक्शन टट्टी उल्टी के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और बच्चों में और बुढ़ों को ख़ास तौर से बच के रहना चाहिए। उसके अलावा अगर बच्चे को घर में उल्टी या दस्त की शुरुआत हो तो अगर थोड़ा बहुत घर में इलाज जो संभव है वो करें, नहीं तो तुरंत सरकारी अस्पताल जो नियरेस्ट हो वहाँ पे ले जाएं और तब तक बच्चे को ORS का घोल 1 लीटर पानी में या 1 गिलास वाला जो सोल्यूशन आता है उसको देते रहें और उसको तुरंत अस्पताल ले जाएं अगर उल्टी हो। अगर खाली लूज मोशन है तो उसको उसी हिसाब से हल्की खिचड़ी दही इस टाइप का खाना दे। मिर्च मसाला स्पाइसी भोजन इस मौसम में अलाउ नहीं है। किडनी फेल्योर इसलिए होता है कि जब मरीज का डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने लगता है और उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है और पानी किडनी में जब शरीर में नहीं पहुंचेगा तो किडनी में भी नहीं पहुंचेगा, तो किडनी अपना फंक्शन देना बंद करने लगती है धीमे धीमे। और जैसे ही अस्पताल में आता है तो डॉक्टरों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, पेशाब कब हुआ, और उसके अकॉर्डिंगली तेज़ी से एक्शन लेके उसके डिहाइड्रेशन और को करेक्ट करना चाहिए। और ऐसा होता है, देखा गया है कि 90% लोगों का किडनी भी ठीक आ जाता है अगर टाइमली एक्शन हो गया। अगर टाइमली एक्शन नहीं होता है तो फिर थोड़ा देर से एक्शन होने पे मरीज की किडनी का डैमेज होने का डर रहता है। लगातार गर्मी अपना प्रकोप बरपा रही है, शहर के लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है, इसको लेकर के किडनी फेल्योर जैसी समस्याएँ जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, इसके केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये डॉक्टरों का कहना है कि घर से जब निकलें तो गमछे का प्रयोग ज़रूर करें और पानी की मात्रा को कम होने ना दें, यही एकमात्र उपाय है आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कैमरा वीरेंद्र सिंह के साथ अल गुप्ता, न्यूज़ प्लस।